न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। खबर अंजड़ से, जहां राष्ट्रीय पक्षी की जान के दुश्मन बने आवारा कुत्ते। आइए जानिए कैसे बची मोर के बच्चे की जान। जी हां, सोमवार की सुबह अंजड़ के करीब ग्राम बिलवा रोड के आबादी के क्षेत्र में अचानक कहीं से भटक कर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर का बच्चा आ गया। कभी बड़वानी जिले में नहीं देखे जाने वाले मोर के बच्चे को भीड़ भरे इलाके में देख कर आम जनमानस में कौतूहल मच गया। वही अपनी खुखार और शरारती स्वभाव के लिए जाने जाने वाले आवारा कुत्तों को मनोरंजन का एक साधन मिल गया और उन्होंने इस मोर के बच्चे को खेत में इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। संतोष के बताए अनुसार उसकी पत्नी सागरबाई ने अपने खेत में एक पक्षी के पीछे कुत्तों को लपकते हुए देखा, जिसकी सूचना उसने अपने पति को दी, जिसके बाद संतोष ने मोर के बच्चे की जान बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ लगा दी। जिसके बाद साहसी युवक संतोष पिता दयाराम ने किसी तरह कुत्तों के झुंड से मोर को बचाया और उसे सुरक्षित ले जाकर अपने घर पर रखा, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ही गाँव के संजय आर्य को देते हुए उन्होंने वन विभाग अधिकारी कैलाश गनवानी को इसकी जानकारी दी। वही पानसेमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज विधायिका सुश्री चंद्रभागा किराड़े, SDM सुमेर सिंह मोजालदा, तहसीलदार राकेश सस्त्या, BMO अरविंद किराड़े एवं समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण कर विधायिका सुश्री चंद्रभागा किराड़े द्वारा फीता काट कर कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई। आज 11 बजे नगर के स्वास्थ्य कर्मचारी साहेबराव चौधरी को प्रथम कोविड वैक्सीन लगाई गई। BMO डॉक्टर अरविंद किराड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में 4 दिनों में 302 टीके लगाए जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन 100 के लगभग टीके लगाए जाएंगे। टीके लगाने का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहेगा। कोविड के 44 वैक्सीनेशन में कुल 440 डोज आए हैं। वही टीके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को लगाए जाएंगे। टीकाकरण के 2 चरण होंगे। प्रथम एवं द्वितीय पहला टीका लगाने के 28 दिन बाद दूसरा टीका फिर लगाया जाएगा। वही खबर है खरगोन जिले के कसरावा से, जहां आज 25 जनवरी को कसरावा स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया, जिसका शुभारंभ कसरावा SDM संघ प्रिय द्वारा फीता काट कर किया गया। उसके उपरांत पल्स रेट में तापमान जांचने के बाद वैक्सीनेशन केंद्र में SDM कसरावा तथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश पाटीदार कक्ष में उपस्थित हुए तथा कंप्यूटर ऑपरेटर से कार्रवाई की जानकारी ली। पश्चात स्टाफ नर्स द्वारा कसरावा स्वास्थ्य कर्मी लैब टेक्नीशियन दीपक नरिया को कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया गया। SDM संघ प्रिय द्वारा आज मीडिया से कहा गया कि सबसे सुरक्षित टीका है जो आज कसरावा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया। इससे डरने की कोई बात नहीं है और हमें आगे चलकर दूसरे चरण का टीका भी अवश्य लगवाना चाहिए। वही खरगोन जिले के सेगांव में कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मी शमीम बानो को लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोरोना वैक्सीन के 100 टीके आए व सबसे पहला टीका सफाई कर्मी शमीम बानो को लगाया गया। इस अवसर पर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे, BMO डॉक्टर मनीषा मंडलोई, डॉक्टर हरि सिंह जाटो, डॉक्टर शादाब खान व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। BMO ने बताया कि पहली खेप में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को शाम 5 बजे तक 100 टीके लगाए जाएंगे। न्यूज लीडर्स के लिए अंजड़ से सतीश परियार, पानसेमल से राजेश नाहर, कसरावत से अबरार पठान और सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।